सनराइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम ये वाला बैग बनाएंगे जो कोई भी लेडीज को इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो कॉलेज गर्ल हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर टीचर हो या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई भी लेडीज हो। ये देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बनाना भी बहुत ही इजी है। ये ऊपर का हिस्सा है और ये इसका नीचे का हिस्सा है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है इसको बनाना। एक ही स्टिच है जो जिससे मैंने इसको बनाया है। पूरा जो बैग है एक ही सिंगल क्रोशिए से ये बनाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 41 रो बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और बनाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक्स्ट्रा है, इसको आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे ना भी लगाएं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लगाएं। तो ये अंदर से देख लें, अंदर से भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखें, कोई भी जो चीज़ें हैं आप इसमें डाल सकते हो, बुक्स भी आ सकती हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो भी आपके कोई भी चीज़ें हो वो आप इसमें डाल सकते हो। बहुत ही स्पेस है। ये देखें, ये नीचे का हिस्सा इसका इस तरह का है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना, और अभी मैं आपको बनाना इसको सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कहीं से लगे कि यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी और समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरी वीडियो को देखते हैं उन व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स जो मैं अपने चैनल पर दिखाती हूँ, अगर उनकी पिक्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, हम जल्दी से इस बैग को बना लेते हैं। आइए सीखते हैं इस बैग को बनाना। इसके लिए वुलन मैंने इस तरह की ली है। ये देखें, ऐसी इसकी मोटाई है, और इसको हमें डबल चलाना है ऐसी। ठीक है, उसके लिए आपको ये देखें, एक धागा जो है इस बॉल के यहाँ से निकलता है और ये एक ऊपर की तरफ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये दोनों हमें इकट्ठे चला लेने हैं, नहीं तो आप दो बॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह मैंने इसको देखी, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको चला लेना है। और क्रोशिया जो है फ्रेंड्स, वो देखें, ये 6.5 mm है। चलिए, अब हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बना लेना है। अभी हम 8 चेन स्टिच बनाएंगे। ये देखें, ऐसे हमें स्टिच में से स्टिच को निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमें एक स्टिच में से, ये देखें, ऐसे स्टिच को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये लास्ट का है 7।
ये सात हमने सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अभी एक चेन स्टिच बनाएंगे और इसको यूं टर्न करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से जो है स्टिच हमारे बन जाएंगे। अभी हमें हर एक इस स्टिच में से सिंगल क्रोशिया करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये लास्ट का है सात। सात सिंगल क्रोशिया हमें करते जाना है। और ये देखिए, टर्न करेंगे और ये स्टिच अपने आप आपको दिखाई देंगे। और सिंगल क्रोशिया करते जाइए। इसी तरह हमें रो बनाते जाना है और 38 रो बना लेने हैं। कोई भी स्टिच मिस मत करिएगा और गिनती में रखिएगा कि ये साथ ही रहे, बड़े या घटे नहीं। ये लास्ट का है, एक चेन स्टिच, और ऐसे ही हमें इसको बनाते जाना है और 38 रो बना लेने हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। 38 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें यहाँ से स्टिच उठाने शुरू करने हैं, ऐसे अराउंड। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो 38 रो है वो कंप्लीट हुआ है और यहीं से हम स्टिच उठाने शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसी फर्स्ट स्टिच पर हमें जो है मार्कर लगा देना है। इस मार्कर से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। ये फर्स्ट रो है जो राउंड हमने बनाना है। ये देखें, यहां से हमने स्टिच उठाया। अभी हमें यहां से स्टिच उठाना है। अभी ये जितने भी स्टिच आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखें ऐसे, इन सभी स्टिच में से हमें स्टिच को उठाते जाना है। कोई भी स्टिच हमें मिस नहीं करना है। हर एक स्टिच में से स्टिच हम उठाते जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है, जितने रो होंगे उतने ही हमारे स्टिच जो है वो बन जाएंगे एक साइड के। और दोनों साइड से जो हमने स्टार्ट किया था उतने ही स्टिच हमारे होंगे। ये देखें, ये फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका जो लुक है वो इस तरह से दिखाई देता है। अभी हमें सेकेंड रो जब बनाना है तो उसके लिए हमें ये वाले स्टिच जो है यहाँ से लेने हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से स्टिच को लेंगे ऐसे। सिंगल क्रोशिया करेंगे और ऐसी स्टिच उठाएंगे, यानी कि हम हाफ स्टिच में से स्टिच को ले रहे हैं। ये सेकंड राउंड है, यानी कि सेकंड रो है।
राउंड यहाँ तक लाएंगे। ये सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ हमने मार्कर लगाया है, ये वाला स्टिच है वो, और इसके ऊपर के स्टिच पर हमारा ये वाले स्टिच पर हमारा जो है सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। अभी जो तीसरा राउंड वो भी हमें इसी तरह हाफ स्टिच में से लेते हुए कंप्लीट करना है। ऐसे ही हाफ स्टिच में से लेते जाएंगे स्टिच और सिंगल क्रोशिया हम करते जाएंगे राउंड। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये देखिए। इसको भी यहाँ से राउंड यहाँ तक ले आते हैं। ये तीन रो जो है वो हमने हाफ स्टिच में से सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाए हैं। अभी जो चौथा रो हम बनाएंगे, फोर्थ रो, उसे हमें पूरे स्टिच में से स्टिच को उठाना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है स्टिच जो है ये वाला लास्ट का स्टिच है तीसरे रो का, ठीक है। और यहीं पर अब हम क्या करना है कि ये देखिए इसको हमें निकाल लेना है यहाँ से, और ये जो स्टिच है इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर। अभी फोर्थ रो देखें फ्रेंड्स, हमें पूरे स्टिच में से बनाना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे पूरे स्टिच में से स्टिच को उठाते जाएंगे। ये देखें यहां से ऐसे इस राउंड को भी हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये चार रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखें यहाँ पर जहाँ हमारा मार्कर है वहाँ आके ये रो जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ से अब हमें इसको निकाल लेना है और आगे हम इसको लगा देंगे इसमें। और ऐसे ही हमें सारे राउंड जो है बनाने हैं। ये देखिए आगे भी हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है। ये चौथे रो की तरह ही हमें राउंड इसको बनाते जाना है, ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे आगे तक। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 23 रो बुने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 रो हैं। और अभी हम यहाँ से धागा जो है वो कट कर देंगे ये वाला, आगे हम और कलर का धागा लगाएंगे। जहां पर हमारा मार्कर है वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये वाला धागा जो है वो हमें साथ में रख लेना है। और ये देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। और ये जो धागा है इसको भी हमें साथ में ही रखना है। स्टिच वही रहेंगे, थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। ये देखें ऐसे
इस धागे को खींच कर हमें साथ में ही रखना है। क्रोशिया हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ से हमें धागा बदल लेना है। इसको राउंड यहाँ तक लाते हैं। अभी ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है एक राउंड कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमें इसको बुनते जाना है और 5 रो कंप्लीट करने हैं। ये एक हमने बना लिया है, 4 और बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इस तरह से। अभी ये देखिए, इसी मार्कर पर से फिर से हमें कलर को चेंज करना है। यहाँ फिर से इसको कट कर देते हैं और वाइट धागे से हमें एक रो बनाना है और यहीं से हम शुरू कर लेंगे जहाँ से मार्कर लगा हुआ है। ये देखिए, इसको हमें ऊपर तक इसी तरह रखना है, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है। धागे को खींच देंगे, ये वाले धागे को भी खींच देना है और साथ में रखना है ऐसे ही। टाइट रखना है यहां से ताकि ये अच्छे से जो है फिक्स हो जाए, ढीला ना पड़े। ये व्हाइट कलर का एक ही रो हमें बुनना है और उसके बाद हम और कलर ऐड करेंगे। इसी तरह आप जितने चाहें कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आकर हमारा वाइट कलर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से हम फिर से अगले कलर को लाएंगे जो भी हमें लगाना है। तो ये 5-5 रो की, ये देखिए इस तरह से 5 रो की जो है एक पट्टी बनेगी और एक रो हम वाइट कलर का लगाएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये वाला कलर लगाऊंगी और उसके बाद ये कलर इसमें लगाएंगे। तो ये 5-5 रो की 3 पट्टियां बन जाएंगी और एक रो ये वाला बनेगा। टोटल जो है ये 18 रो ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए, 3 पट्टियां बनने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है। और अभी मैं लास्ट का रो है जो वो बना रही हूँ और उससे पहले मैंने यहाँ पर ये मार्कर लगाए हैं जहाँ पर हमने इसके हैंडल लगाने हैं। और उसके लिए मैंने इसमें इंची टेप की मदद से जो है वो देख लिया है कि इधर से मैंने कितना छोड़ना है। ये देखें, ये 3.25 इंच मैंने इस तरफ से छोड़ा है। ये देखें, इस साइड से 3.25 इंच मैंने छोड़ा है और इधर से भी 3.25 इंच है। और बीच का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 5 इंच और 1 पॉइंट बनता है और इसका भी हाफ करके हमने यहाँ पर जो है बटन होल के लिए मार्कर लगा लिया है। इसमें हैंडल लगाएंगे, इसमें हम बटन होल के लिए जगह बनाएंगे। और वो किस तरह से हमें करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले ये देखें,
ये हैंडल मैंने इस तरह का बनाया है। अगर आप इस तरह के हैंडल बनाकर लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो पहले से है, उससे देखकर आप ये हैंडल बना सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ये वाला नहीं लगाना चाहते तो मार्केट से लेदर का जो है रेडीमेड लेकर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा और वो भी खूबसूरत लगता है, उसे भी आप लगा सकते हो। चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। किस तरह से लगाना है ये देखें, यहाँ तक मैंने धागा चेंज करके इसको जो है सिंगल क्रोशिया कर लिया है और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे फिर से। और ये देखें, ये एक जो है यहाँ से स्टिच हम बोल लेंगे, क्रोशिया कर लेंगे एक स्टिच कर, और ये वाला अब हम मार्कर को उतार देते हैं और यहाँ पर हमें ऐसे ये देखें इसको रख लेना है और इसके बीच से हम क्रोशिया जो है करेंगे। ये देखें यहाँ से बहुत ही आसान है इसको लगाना और ऐसे ही इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे वो तो आसानी से आप इस हैंडल को बना लोगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। नहीं तो फिर मार्केट से आप लेकर वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तीन स्टिच में हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए ये लग गया है और आगे हम इसको ऐसे ही ये देखिए क्रोशिया करेंगे जैसे पीछे हमने किया है। थोड़े से यहाँ टाइट स्टिच में इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमने हैंडल लगाया है वो ढीला ना पड़े। बहुत ही इजी है ये और इस जो बैग है इसे कॉलेज गर्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मार्केट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ हम बटन के लिए होल बनाएंगे, इसको अभी हम निकाल देते हैं और यहाँ से इस तरह से हमें स्टिच को निकालना है। ऐसे स्टिच को लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ये देखिए जैसा भी आप जो है बटन लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से ये होल आप बनाइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा जो है बटन इस्तेमाल करूँगी इसीलिए उसी हिसाब से मैं इसको लगाऊंगी। ये 13 हमने बना लिए हैं, 14 15 ठीक है, ये 15 जो है चेन स्टिच हमने बनाए हैं और फिर से हमें यहाँ पर इसको इस तरह से लेकर और ऐसे स्टिच में से स्टिच को निकाल देना है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। अभी हमें आगे के जो स्टिच हैं उसमें से फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अभी यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा मार्कर है उसके आगे के तीन स्टिच हमें छोड़ने हैं, एक दो तीन। ये देखिए इस तीन स्टिच में हम जो है वो हैंडल का जो है रिंग जो है वो डालेंगे। ये देखें इसको यूं हमें सीधा ही रखना है, इस तरह से ये सीधा है और यहीं पर हमें ऐसे इसको रख लेना है बस। तीन स्टिच में से सिंगल क्रोशिया हम करेंगे। क्रोशिया हमें सेम ही करना है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइट कर देना है इसको।
देखिए ये भी लग गया है। और आगे अब हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और जहां हमने मार्कर लगाए हैं वहीं पर हमें दूसरा हैंडल भी लगा लेना है और ऐसे ही लास्ट वाले रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। बस ये बैग हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम इधर को लाएंगे और यहाँ पर फिर से हैंडल लगाएंगे और आगे बुनते हुए बनाते हुए अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 स्टिच छोड़ने हैं। ये देखें ये 3 स्टिच में से हमें यहाँ पर रिंग जो है वो डालना है और इधर भी हमें ऐसा ही करना है। ये वाले जो 3 स्टिच हैं इसी में हम हैंडल लगाएंगे और बाकी में सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर आकर इस रो को कंप्लीट कर देंगे। अभी मैं इसका दूसरा हैंडल लगाकर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। टोटल रो 41 हुए हैं। ये 41वां रो है जो हमें यहाँ पर लाकर, ये देखिए यहाँ हमें इस तरह से स्टिच को निकालना है और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे और एक बार फिर से हमें ऐसे करके स्टिच निकाल लेना है और इतना लंबा धागा लेंगे ताकि बाकी के धागे को हम कहीं छुपा सकें। और ये देखें इसको हमें इस साइड से यहाँ पर छुपा देना है, ये धागे को सारे को क्रोशिए की मदद से। ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। बस अब हमें यहाँ पर एक बटन ही लगा देना है, कोई भी कलर का बटन यहाँ पर लगा सकते हो। और अगर आप इसको और डेकोरेटिव बनाना चाहते हो तो कोई भी ऐसी कोई डेकोरेटिव चीज़ बनाकर इसको आप साइड पर यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नहीं तो आप ऐसे सिंपल भी इसको रख सकते हो। अगर आप ये बनाकर लगाना चाहते हो जैसा कि मैंने लगाया है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं इसको बनाना आपको अगली वीडियो में सिखा सकती हूँ। इस वीडियो में वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके बताए हुए किसी भी प्रोडक्ट पर जो मुझे आता होगा उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जरूर सिखाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।